हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नायब तहसीलदार और पटवारी के पोस्ट के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत देर से अगर बात करें तो बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर नायब तहसीलदार की वैकेंसीज जो है कब आउट होगी। पटवारी पोस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं कि पटवारी की वैकेंसीज आप ही जो है नोटिफिकेशन एक डेढ़ साल पहले निकाला गया था, उसके अभी तक एग्जाम हुए नहीं है। फिलहाल के लिए पटवारी की जो वैकेंसीज है JKSSB टाइम टू टाइम आउट की गई है उनके द्वारा, मगर नायब तहसीलदार की काफ़ी देर से जो है वैकेंसीज आउट नहीं हुई है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नायब तहसीलदार पटवारी वैकेंसीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो एक इंटरव्यू लेटेस्ट जो इंटरव्यू हुआ था एक दो दिन पहले का, तो उसमें बताया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम 2023 के अंदर 12,000 जो है न्यू वैकेंसीज को आउट करने जा रहे हैं और 12,000 की वैकेंसीज में आपको मे भी देखने को मिलेगा नायब तहसीलदार और पटवारी की वैकेंसीज। ठीक है, तो नायब तहसीलदार की काफ़ी देर से जो है इसका रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। पटवारी की जैसे मैंने आपको बताया टाइम टू टाइम इसकी जो है नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं इसके। तो फिलहाल के लिए नायब तहसीलदार की आई थिंक 5-6 साल से नायब तहसीलदार की अभी तक कोई भी वैकेंसीज जो है आउट नहीं की गई है। अब थोड़ा सा मैं आपको जहाँ पर बताना चाहूँगा, एक जो RTI का एक रिप्लाई जो है गवर्नर ग्रीवेंसी सेल का, इसके रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड इन सिस्टम एंड सेंड टू डेजिग्नेटेड ऑफिसर, सर मैडम आई आर डायरेक्टर टू रिक्वेस्ट यू काइंडली रीड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द कंप्लेंट एट एन अर्लीस्ट विद रिकॉर्ड्स। जहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंसेज सेल। अब जहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो जहाँ पे बताया गया है कि ड्राफ्ट अमेंडमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी एज वेल एज नायब तहसीलदार हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एम्पावर्ड कमेटी ऑफ ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट वेयर अंडर द उर्दू लैंग्वेज हैज़ बीन रिमूव्ड। सभी जानते हैं आप, एक 8-10 महीने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बताया गया था कि जो भी नायब तहसीलदार की और पटवारी की जो वैकेंसीज होंगी वहाँ से उर्दू को जो है रिमूव कर दिया गया है। अब 5 ऑफिशियल लैंग्वेज आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जहाँ पर बताया गया है कि जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है पोस्ट पटवारी पोस्ट के लिए और नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए, इसको अप्रूव्ड किया गया है एम्पावर्ड कमेटी ऑफ ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा, वेयर अंडर जहाँ पे उर्दू लैंग्वेज को क्या किया गया है, हटाया गया है। ठीक है, और जो इशू है नोटिफिकेशन का, द इशू फॉर नोटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफ रेवन्यू सबॉर्डिनेट सर्विसेज इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। और जो यहाँ पे बताया गया है कि जो इशू फॉर नोटिफिकेशन ऑफ अमेंडमेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द रेवन्यू सर्विसेज, इसको अंडर कैप्ट रखा गया है इसको एक्टिव कंसिडरेशन के लिए ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज प्रेजेंटली टेकन अप विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर कंकरेंस। ठीक है, तो जहाँ पे बताया गया है उसके साथ साथ एज एंड व्हेन द कंकरेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट द नोटिफिकेशन शैल बी इशूड। ठीक है, तो जहाँ पे क्लियरली ये बताया गया है, इसके अकॉर्डिंगली ये रिप्लाई दिया गया है कि सबसे पहले तो जहाँ पे बताया गया है कि नायब तहसीलदार पोस्ट के लिए और पटवारी पोस्ट के लिए उर्दू को हटाया गया है, और जो इश्यू है जो नोटिफिकेशन का अमेंडमेंट का रिक्रूटमेंट ऑफ रेवन्यू सर्विसेज, इसको एक्टिव कंसिडरेशन के लिए रखा गया है ऑफ द गवर्नमेंट, वो इसको प्रेजेंटली टेकन ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसको कंकरेंस के लिए भेजा गया है, और एंड व्हेन द कंकरेंस इज रिसीव्ड फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और जब कंकरेंस रिसीव्ड होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर नोटिफिकेशन जो है निकाला जाएगा जहाँ पे नायब तहसीलदार और पटवारी का। तो ये देख सकते हैं आप जहाँ पे 2023 के अंदर आपको जल्द ही ये JKSSB के द्वारा जो है नायब तहसीलदार पटवारी की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फर्स्ट जहाँ पे JKSSB की सबसे पहले प्रायोरिटी जो रहेगी पेंडिंग एग्जाम्स को लेके। ठीक है, तो बहुत बार जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुके हैं। अभी 2023 के एग्ज़ाम की बात करें तो फाइनेंस कोड असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना था, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना था, JEE इंजीनियर सिविल मैकेनिकल का एग्ज़ाम होना था, उसके तीन एग्ज़ाम जो तीन बड़े एग्ज़ाम हैं अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। 2020 की रिक्रूटमेंट का 2020 का जो नोटिफिकेशन है फिनेंस कोड असिस्टेंट का, दो बार एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल हो चुका है। अब तीसरी बार इसका एग्ज़ाम कब होगा
क्या प्रोसेस चलेगा। अभी एपटेक कंपनी के बारे में भी इसमें लंबा प्रोसेस चलेगा कि एपटेक कंपनी को जब हटाया जाएगा फिर टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी, तो फिर से इसका जो है JKSSB एग्जाम कंडक्ट करेगी। इसके साथ साथ और बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैसेजेस आते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड का कब होगा, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कब होगा। फॉरेस्ट गार्ड का मैंने आपको बहुत सारे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड का सबसे पहले आपका होगा फिजिकल होगा, जैसे मैं आपको बता रहा था वॉक होती है 25 किलोमीटर की, ठीक है। उसके बाद SI फाइनेंस के बारे में बच्चे बता रहे थे, उसका कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। वेटरनरी फार्मिस्ट है, स्टॉक असिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जिस सारी की सारी जो जहाँ पे जितनी भी पोस्ट में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे एक डेढ़ साल पहले JKSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि इनके जो है एग्ज़ाम आप कंडक्ट करने वाले हैं, मगर बाद में उसको विड्रॉल किया गया। अब तक की डेट में अगर बात करें तो JKSSB की जो अगर बात करें रडार में जो एग्ज़ाम है वो आपका फिनेंस कोर्ट असिस्टेंट है, उसके बाद JEE इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपकी 1400 वैकेंसीज हैं, और फिर आपका BLW का एग्ज़ाम, जो 3-4 बड़े एग्ज़ाम हैं, ये JKSSB की प्रायोरिटी यही रहेगी। उसके बाद अभी तक इसमें प्रोसेस चल रहा है अगर बात करें JKPSI का, इसके बाद इसका फिजिकल होगा, फिर इसका जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो बच्चे भी सिलेक्ट किए जाएंगे। तो अभी तक इसमें क्लियरली आप नहीं बोल सकते कि मैं आपको ये बोल दूँ कि 2 दिन में वैकेंसीज आ जाएंगी नायब तहसीलदार पटवारी की, 2 दिन में वैकेंसीज नहीं आएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको सभी बताया कि 31 मार्च तक अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा, उसके बाद जो है नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और 12,000 वैकेंसीज की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये बात की गई थी, उसमें जो है कितनी वैकेंसीज कितने नोटिफिकेशन में ये पोस्ट निकाली जाती है ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए जहाँ पे नायब तहसीलदार का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, पटवारी का प्रोसेस बता दिया, कब ये नोटिफिकेशन इशू की जाएगी, अभी ये इसमें कितना टाइम लगेगा, और अब इसके रिलेटेड अगर कोई हमें और इनपुट मिलती है या और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।